एक्चुअली दोस्तों आज छुट्टी का मूड था। एक्चुअली मैं फैमिली के साथ पुणे सिटी में आया था और मैं आज आपको बताऊंगा कि एक बार आप अगर किसी बंदे को, ग्राहक को अच्छी सर्विस देते हैं तो आपके साथ वो कायम के जुड़े रहते हैं। जब तक उनके पास जैसी भी है तब तक जुड़े रहेंगे। क्यों और क्या हम कैसे सर्विस देते हैं कस्टमर को, ये आज के इसमें बताना चाहूँगा मैं। एक्चुअली सीन ये था, कल की डेट में, मतलब कल रात में एक कॉल आया और उन्होंने बोला कि हमारे JCB 3DX का ट्रांसमिशन काम करना है तो आप आ सकते हैं क्या। तो बोला हम आ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो उन्हें हमने जो हमारा सर्विस चार्ज होता है वो बोला, तो वो बोलने लगे मेरे पास 2007-08 से मशीन है। अब मैंने बहुत जगह पे पूछा है लोकल बंदे से तो कम है उनका चार्ज, आपका थोड़ा ज़्यादा है तो आप इतने में करो। तो हम बोले हम सर्विस चार्ज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते हैं। क्वालिटी और उसकी जो गारंटी वारंटी है वो आपको मिलेगी, लेकिन सर्विस चार्ज कम नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों जो है वो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो दोनों साथ में आएंगे। ऐसा नहीं कि एक बंदा एक्सपीरियंस और एक बंदा हेल्पर है तो कुछ ना कुछ करके आपको मशीन चालू करके देंगे, ऐसा नहीं। काम जो है वो कंपनी जैसा होगा, एकदम अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो फिर वो नहीं बोले, मुझे कम में ही चाहिए, तो हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने ठीक है बोला, कॉल कट कर दिया। कल रात में ऐसा हुआ। फिर यार मैंने सोचा आज चलो पुणे में जाते हैं, फैमिली के साथ मुझे जाना था, कुछ काम था पर्सनल, तो पुणे में आए। और फिर उनका सुबह कॉल आने लगा मुझे, तो मैंने बोला अभी मतलब ट्रांसमिशन खोलना है तो पहले से डिसाइड रहता है, टूल्स रहता है, सब कुछ जो मैनेजमेंट है अरेंज करना पड़ता है, सब कुछ टूल्स हो या सारे। तो फिर बोला यार छोड़ो अभी, वो भी कस्टमर अपना रेगुलर नहीं था, पहली बार ही आ रहा था तो छोड़ दिया। मतलब अभी मन बना लिया था कि यार नहीं, अब पुणे जाना है और नहीं करेंगे काम। तो फिर अभी ऐसा हुआ, एक रेगुलर कस्टमर का कॉल आया, वो बोले कि हमारा जो मशीन का गियर होता है हमारा 1, 2, 3, 4 जो डालते वो टक चुका है। अच्छा, अब मैं तब तक पुणे में पहुँच चुका था, अभी भी बीच में हूँ। और फिर मैंने उनसे ऑपरेटर का नंबर लिया, उनको बताया इस तरह से करो, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की लेकिन उनका जो गियर है वो नहीं निकला। फिर ऑपरेटर बोलने लगा कि सर आज क्या आना पड़ेगा आपको, अगर आप आज नहीं आते हो, मैं ऑलरेडी पुणे में आया था तो मालिक को बताया था कि एक काम कीजिए, एक तो 3-4 बजे के बाद आऊँगा या फिर नहीं हुआ पॉसिबल, अभी ट्रैफिक वगैरह रहता तो कल सुबह पक्का जाऊंगा, क्योंकि रेगुलर कस्टमर था। तो वो तो मालिक तो मान गए लेकिन ऑपरेटर वहाँ पे कंपनी में था तो ऑपरेटर बोल रहा था कि सर अगर आप नहीं आओगे तो हो सकता है हमारी मशीन यहाँ से निकाल दी जाएगी और फिर उनको अर्जेंट है। तो फिर यार मैंने भी सोचा यार ऐसा होगा तो मेरे लिए तो ठीक नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर वहाँ का मेरा जो फैमिली का अरेंजमेंट किया वो रिटर्न आने का, मैं बोला मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा रेगुलर ग्राहक है। तो फिर ऑपरेटर को बोला कोई बात नहीं, आपका मशीन नहीं निकलेगा वहाँ से, कोई चिंता मत करो। तो फिर ऑपरेटर को मैंने ठीक है बोला, चल आ जाता है 1-1.5 घंटे में। अब यहाँ से मुझे मेरे घर तक जाना है, 25 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से पैकिंग, उसका टूल्स सब कुछ लेके फिर से मशीन वहाँ से 25 किलोमीटर है, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि रेगुलर ग्राहक है और उनका एक दिक्कत मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक तो सीज़न है, अब ऐसे में अगर किसी का मशीन निकाला जाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। यही हम करते हैं कि जो हमारा एक बार ग्राहक बन जाता है और रेगुलर होता है तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं उसका। अभी उनको भी बोला था कल आएंगे लेकिन ऑपरेटर बोलने लगा कि भाई आप नहीं आओगे तो फिर वो हमारा मशीन निकाल देंगे और दूसरा मशीन लगाएंगे। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मैंने वहाँ का मैनेजमेंट किया है और अब हम साइड पे जाके आपको भी दिखाऊंगा वहाँ पे कि आप क्या क्या कर सकते हैं बिना इंजीनियर या मैकेनिकल बुलाए, अगर एक बार गियर अटकता है तो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मतलब बीच में आया हूँ पुणे सिटी से यहाँ पे। तो बोला यार आज की वीडियो की शुरुआत सब कुछ शुरुआत से करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो चलो अभी घर जाऊंगा, घर में टूल किट लेके फिर वहां से साइड में जाके आपको सब कुछ दिखाता हूं, वहां जाके देख लेते हैं अब आगे का क्या क्या होगा वहां पे।
ये जेसीबी 3DX सुपर है, मतलब फोर व्हील ड्राइव है। फाइनली हम मशीन पे आ चुके हैं। एक बार नीचे जाके देखते हैं कहीं पे कुछ अटका या टूटा तो नहीं है, जो हमारा गियर लीवर होता है। सबसे पहले मशीन के नीचे जाके देख लेते हैं। तो ये हम मशीन के नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए यार, पूरा ऑयल ऑयल हुआ है, काफ़ी सारा ऑयल इसका लीकेज है मशीन का, ये देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ टूटा हुआ तो नहीं लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बट एक बार ऊपर जाके भी देखना पड़ेगा फिर। दोस्तों ऊपर के ऊपर ट्राई किया मैंने, बट नहीं हुआ ये गियर। ये देख सकते हैं, इसे टरेट लीवर असेंबली बोलते हैं। जब भी कभी आपका गियर अटकता है तो आपको ज़्यादातर इसे खोलना पड़ता है। ये यहाँ पे बैठती है, और ये जो आपको गियर दिख रहे हैं अंदर के, वो अटक जाने की वजह से फिर आपको ये खोल के फिर से वापस बिठाना होता है। उसमें आपको पैकिंग और एनाबॉन्ड वगैरह ये सब लगता है, और यहाँ पे थोड़ा केयरफुली वर्क करना पड़ता है, क्योंकि यही ये देखो इसी में अटक जाता है, फंस जाता है हमारा गियर। तो यहाँ से निकाल के फिर से बिठाना पड़ता है आपको, और साथ में बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि इसके ट्रांसमिशन के अंदर अगर कुछ मिट्टी या कुछ भी गिरता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हम इसे एक बार बिठाएंगे, खोल के निकाला है। तो फाइनली दोस्तों हमारा गियर लीवर असेंबली फिर से अभी मशीन पे बिठ चुका है। अब एक बार गियर गिरता है क्या नहीं ये चेक करेंगे। ऑपरेटर को मैंने ऊपर भेजा है, ऑपरेटर एक बार ये देख सकते हैं आप। अब गियर तो गिर रहा है, एक बार चला के देखेंगे मशीन सारे गियर काम करते हैं या नहीं। तो देख सकते दोस्तों गियर तो बिल्कुल गिर रहे है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये रिवर्स हो रहा है, ये फॉरवर्ड भी देख सकते हैं। अब पहले जो गियर अटका था इनका प्रॉब्लम रिसॉल्व हुआ है। आप में भी इस तरीके की दिक्कत आती है तो आपको इंजीनियर या मैकेनिकल बुलाना पड़ेगा।